राहुल की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान आपकी स्क्रीन पर. Three things cannot be long hidden. The sun, the moon and the truth. तीन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता. सूरज, चंद्रमा और सच. गौतम बुद्ध के इस बयान का हवाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया है. वो आगे कहती हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते. न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते. बोल इलाहाबाद में तेरे. तो गोदी मीडिया में जबरदस्त मायूसी का माहौल है और स्मृति ईरानी शॉक में है. वो स्मृति ईरानी जिनका बस एकमात्र काम यह रह गया था कि राहुल गांधी की पर्सनल ट्रोल बनकर रह जाएं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाई है, अब वो कहें तो कहें क्या. मगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जिस राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, अब जब वो लोकसभा में कदम रखेंगे तो उन्हें राहुल गांधी के किस तेवर का सामना करना पड़ेगा. मुलायजा फरमाइए. मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं. भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है. मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा. मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा. और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा. माफी नरेंद्र मोदी को माननी है. नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है. दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल राहुल गांधी विपक्ष के लिए जरूरी क्यों हैं. मैं कुछ देर बाद बात करूंगा स्मृति ईरानी और पूरे गोदी मीडिया की. आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि राहुल गांधी वो शख्स हैं जिससे संघ और भाजपा सबसे ज्यादा नफरत करता है. गांधी परिवार में संघ और भाजपा दो लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाया. पहला पंडित नेहरू. पंडित नेहरू ने धर्म निरपेक्षता के साथ कभी समझौता नहीं किया. इसीलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर पूरा आरएसएस नेहरू को बदनाम करने में लगा रहता है. वो नेहरू जिसने आईआईटी दिए, वो नेहरू जिसकी वजह से इस देश की वैज्ञानिक सोच बनी, उस नेहरू को बदनाम किया जाता रहा. और नेहरू के बाद इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी भी नहीं, नेहरू के बाद अगर किसी पर निशाना साधा गया तो वो राहुल गांधी. वो राहुल गांधी जिसने कभी भी सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं किया. क्योंकि हमारे सामने राजीव और इंदिरा उनकी ढेरों मिसालें हैं जहां उन्होंने समझौता किया हो, मगर राहुल गांधी की ऐसी कोई मिसाल नहीं है. और जो तेवर अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं, उन्होंने जब यह बात कही ना दोस्तों, तो जो कन्विक्शन था उनके बयान में, जिस ताकत के साथ कही उन्होंने बात, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो उनका गठजोड़ था उद्धव सेना के साथ, वो खतरे में पड़ गया था. मगर ये व्यक्ति जो है पीछे नहीं हटा. और यही वजह है कि आरएसएस और बीजेपी उनसे इतनी नफरत करती है. ये नफरत इस हद तक है दोस्तों कि वो राहुल गांधी को बर्बाद कर देना चाहते हैं. यही वजह है कि राहुल गांधी की अगले 8 साल तक वो राजनीतिक तौर पर उन्हें गायब कर देना चाहते थे. और मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ भी आता तो वो राहुल गांधी को इतना बड़ा राजनीतिक शहीद बना देता जिसकी कल्पना बीजेपी नहीं कर सकती थी. क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करते, राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर चेतावनी दी है, चाहे चीन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, तमाम मुद्दों पर. या ये नहीं, मणिपुर के मुद्दे पर भी उन्होंने चुनौती दी थी और आज से कई महीनों पहले, मगर मोदी सरकार नहीं चेती थी. तो राहुल गांधी ने लगातार चुनौती दी थी और यही वजह है कि भाजपा उनसे इस कदर नफरत करती है. यही वजह है कि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक छात्र ने डिसलेक्सिया के जो मरीज होते हैं उनके बारे में एक सवाल किया था.
अब राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैतिकता की इस हद को पार कर दिया था, शालीनता की इस हद को पार कर दिया था, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया था कि राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने डिसलेक्सिया के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया था। याद है कि नहीं आपको? सुनिए, हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक पीपल, डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? इतनी नफरत है राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। यही वजह है कि उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। याद कीजिए, स्मृति ईरानी झूठ बोलती हैं। क्या झूठ बोलती हैं? कि राहुल गांधी ने विवेकानंद के सामने शीश नहीं झुकाया। क्यों गलत कहा आपने? सुनिए किस तरह से स्मृति ने झूठ बोला था और हकीकत क्या थी, दोनों यहां पर साबित हो जाती हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। बात वहां नहीं रुकती, संसद के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, संसद के अंदर गलत बयानी की थी। संसद के अंदर खड़े होकर स्मृति ईरानी ने यही झूठ बोला था कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के नेताओं को या दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो भारत आए और भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार करें। यह बात तो कोई राक्षसी सोच का व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर स्मृति ईरानी को आज अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है। आप राहुल गांधी की ट्रोल बनकर रह गई हैं, मगर असल मुद्दों पर आप कभी नहीं बोलती। सिली सोल्स को लेकर आपको आईना दिखाया जाता रहता है, आप उस पर नहीं बोलती। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर खामोश, कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश, उन्नाव पर खामोश, कठुआ पर खामोश, तमाम मुद्दों पर खामोश, एक ही काम, राहुल गांधी पर हमला बोलना। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया में भी गम का माहौल क्या है। ये देखिए, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला, मतलब इसको अब भी बंटवारा 1947 याद आ रहा है। सोच देखिए इसकी। आज लोग कोविड की वजह से नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से पलायन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमने कोविड को तो काबू में कर लिया लेकिन सांप्रदायिक दंगों की वैक्सीन नहीं खोज पाए। क्या 1947 में धर्म के नाम पर भारत के विभाजन का फैसला नाकाम रहा? कितनी वाहियात बात कही है इसने। पहली वाहियात बात, ये जो दंगे हो रहे हैं ये गोदी मीडिया और जहरीली सोच की वजह से हुए हैं। याद है इसी पत्रकार ने 15 किस्म के जिहाद पर शो किया था, एक ऐसा शो जो एक वाहियात व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आधारित था, इसी ने किया था। रोज अनर्गल और वाहियात डिबेट्स ये करता है और आज ये लोगों को ये नसीहत दे रहा है हिंदू मुसलमान के बारे में, दंगों के बारे में। तुम अपना किरदार भूल गए। और सबसे खतरनाक है इसकी आखिरी पंक्ति, क्या 1947 में धर्म के नाम पर भारत के विभाजन का फैसला नाकाम रहा? ये आज भी लोगों को बंटवारे विभाजन की याद दिला रहा है। कितनी नाकारा, कितनी घटिया सोच है दोस्तों। एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने बार बार अपने बयानों के जरिए इसी तरह की मीडिया पर सवाल उठाया है, मगर आज राहुल गांधी की अपनी पार्टी पर भी सवाल हैं, जिसकी चर्चा मैं करूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। जयराम रमेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करने वाला है। भाजपा की पूरी मशीनरी के निरंतर प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने हार मानने, झुकने या दबने से इनकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास जताया। यह भाजपा और उनके गुलामों के लिए एक सबक है। आप भले ही सबसे घटिया हरकतें कर सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक सरकार एवं एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को सामने लाना और उन्हें उजागर करना जारी रखेंगे। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे, जिन्हें आप पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं सत्यमेव जयते। चिदंबरम,
कह रहे हैं, अंग्रेजी में बयान है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टुडे इज अ विंडिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव कंसिस्टेंटली प्रेस्ड बिफोर एवरी कोर्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा शुड इमीडिएटली रिस्टोर मिस्टर राहुल गांधी मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा. प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ केस वेयर द कोर्ट इम्पोज्ड द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years फॉर स्लैंडर इन द लास्ट 162 years. चिदंबरम आगे कहते हैं, वी मेंटेन दैट द केस वॉज मैन्युफैक्चर्ड विद द सोल इंटेंशन ऑफ कीपिंग मिस्टर राहुल गांधी फ्रॉम पार्लियामेंट. पहली बात कह रहे हैं कि 162 साल के इतिहास में इतनी गंभीर सजा किसी को नहीं मिली और इसका सिर्फ एक मकसद था कि राहुल गांधी को संसद से दूर रखा जाए और माननीय स्पीकर यानी ओम बिरला को तुरंत बहाल करना चाहिए, ऐसा चिदंबरम बोल रहे हैं. दोस्तों, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और इस मोहब्बत की दुकान में वो बार बार गोदी मीडिया के जहर की भी बात करते हैं. एकमात्र राजनेता जो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाता है. मगर आज मेरे राहुल गांधी के से सवाल है. एक तरफ तो राहुल आप बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, मगर आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यही नफरती मीडिया होने वाला है जो बार बार जहर उगलेगा, आपके बारे में झूठ बोलेगा. यह मीडिया जो आपका मजाक उड़ाता है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर वजह क्या है कि आपके ही पार्टी के नेता इस जहरीली मीडिया को जो है तवज्जो देते हैं? क्या वजह है कि आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 के एक कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहे हैं? जी हां, वही मुकेश अंबानी का चैनल जिसके इस नफरती पत्रकार ने परमानेंट सॉल्यूशन की बात की थी, वो परमानेंट सॉल्यूशन जो नाजियों ने यहूदियों के लिए जिसकी बात की थी. नूह में सांप्रदायिक टकराव होता है और यह आदमी परमानेंट सॉल्यूशन की बात करता है. बड़ा सवाल यह कि फिर आपकी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है राहुल, वो न्यूज 18 के समारोह को प्रायोजित क्यों कर रही है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप ही के पार्टी के नेता है, मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख जयराम रमेश, आखिर क्या वजह है कि वो ANI को इतनी तवज्जो देते हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्हीं के फैसलों के चलते मुकेश अंबानी के चैनल के 2 नफरती एंकर्स के शोज में कांग्रेस के प्रवक्ता जाते हैं? मैंने रिपब्लिक न्यूज में देखा है कांग्रेस के नेताओं को जाते हुए, वो रिपब्लिक न्यूज जहां का संपादक बार बार राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बातें करता है. चलिए, अगर आप फिर भी भेजना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है, ये जो मोहब्बत की दुकान वाली बात है वो अधूरी है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मोहब्बत की दुकान की वाट गोदी मीडिया नहीं, आप ही के पार्टी के नेता उतार रहे हैं और यह चुनौती आने वाले दिनों में बहुत गंभीर होने वाली है. क्या राहुल गांधी अपने नेताओं को समझाएंगे, उनसे कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि गोदी मीडिया का संपूर्ण बहिष्कार हो? क्योंकि अगर मुंबई जयपुर ट्रेन में एक आदमी 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और कहता है कि वोट मोदी योगी को, या फिर नूह में दंगा होता है, या फिर इसी तरह की नफरती बातें सामने उभर कर आती हैं, तो जाहिर सी बात है यह परिणाम है जहरीली मीडिया का. उस जहरीली मीडिया का क्या संपूर्ण बॉयकॉट होगा? क्या कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख हैं इस पर दोहरे मापदंड जो हैं वो त्यागेंगे? ये मुद्दे हैं राहुल जी, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता. फिर मोहब्बत की दुकान वाली बात कहीं ना कहीं अधूरी बनकर रह जाती है. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.